तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, ए बी रेखा पर 60 डिग्री का कोण बनाएं। तो ए बी रेखा लेंगे, सबसे पहले ए बी रेखा हल्की लेंगे ये रेखा हम, ठीक है। ए बी, ये इस रेखा को हम मोटी नहीं लेना है, ये दी हुई रेखा है। क्या है? दी हुई रेखा। और दी हुई रेखा को हमें हल्की रेखा लगाना है, पतली लाइन से। अब जो कंस्ट्रक्शन लाइन है, कंस्ट्रक्शन यानी कि बनाने वाली विधि जो बनाते हैं हम, उसमें हमेशा डॉटेड लाइन का ही प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, ऐसे, और यहाँ से फिर एक चाप ऐसे, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट जो चाप होती है और फर्स्ट कट जो होता है वो 60 डिग्री के एंगल का होता है। कितना होता है? 60 डिग्री के एंगल का। अब जो ये 60 डिग्री की जो रेखा है, इसको हम डार्क लगाएंगे, मोटी। क्या कर देंगे हम इसको? डार्क, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री, ए बी इसका नाम रख देंगे सी। तो इस प्रकार से आपका 60 डिग्री का ए बी रेखा पर बनेगा। नेक्स्ट आपका पूछ लेता है कि 30 डिग्री का कोण बनाओ। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री का कोण कैसे बनेगा ए बी रेखा पर, नेक्स्ट करके दिखा देती हूँ। इसी में भी दिखा सकती हूँ आपको, लेकिन अच्छी तरह समझाने के लिए नेक्स्ट, ताकि आपको हर एक कोण का अच्छे से पता हो। ये हल्की रेखा लेंगे हम ए बी, ये आपका 14th क्वेश्चन है, और इस पे हमने बनाना है 30 डिग्री का एंगल। तो 30 कितने का होगा? 60 डिग्री का हाफ कितना होगा? 30। तो हम एक चाप लगा लेंगे ऐसे ही, और अब यहाँ से इससे एक कट, ये हो गया आपका 60 का, और 60 का आधा, तो एक यहाँ से और एक इस 60 वाले पॉइंट से, ये हो गया इसका। तो ये 60 का जो पॉइंट है, इस ये हो जाएगा। इसको तो हम बनाएंगे हल्की लाइन, इस रेखा को, क्योंकि ये 60 का आधा होता है ना, 30 डिग्री का बनाना है हमें। तो ये हल्की ए बी, इसका नाम रख देते हैं सी, और ये जो 30 डिग्री का जो हमने अभीष्ट रेखा बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? अभीष्ट रेखा। तो ए बी सी एंड ये डी, तो ये होगा आपका 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। 60 डिग्री और 60 का हाफ 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, अब आगे आपसे पूछ लिया जाए 15 डिग्री का, तो 15 का कैसे बनाओगे कि यहाँ से ए बी, इसका नाम रख देते हैं हम ई एफ, और इसका जी। तो ई पॉइंट से और एफ पॉइंट से हम हाफ कर देंगे इसका, रख के प्रकार से, तो क्या हो जाएगा वो 15 डिग्री का। अभी यहीं कर देती हूँ या नेक्स्ट में कर देती हूँ। अब आपसे कोई कह दे कि 15 डिग्री का कोण बनाओ ए बी रेखा पर, नेक्स्ट सवाल भी आपका यही दिया हुआ है, तो दी हुई जो रेखा है उसको हल्की लेंगे ए बी, ठीक है। उसके बाद एक चाप लगाएंगे, वही 60 डिग्री की एक चाप लगाएंगे, और इस पे ये चाप लगाई हमने, ठीक है। यहाँ से 60 की एक चाप लगाई, 60 का हाफ करेंगे पहले इससे और इससे, ठीक है। अब 60 का हाफ करने के बाद इसको लगाएंगे हम हल्की, क्योंकि हमने कोण कितने का पूछा है? 15 डिग्री का। तो जब तक जो अभीष्ट रेखा होगी हमारी, जो आंसर लाइन होगी, उत्तर रेखा जो हमारी होगी वो क्या होगी? हमारी आंसर लाइन, और उसको बोलेंगे हम अभीष्ट रेखा, तो ए डी लाइन। तो कोण यहाँ पे जैसे हमने पूछा था अभी 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का आप आंसर लिखोगे ऐसे कि कोण डी डी ए, कोण को हमेशा बीच में लेंगे, ए
और बी क्या है? अभीष्ट है, अभीष्ट। ठीक है, आंसर मैं ऐसे लिखेंगी। इसमें भी अभी हमारा आंसर नहीं आया तो हल्की लाइनों से ही हम इसको बनाएंगे। और जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, जो बनाने वाली रचना वाली जो होती है, वो हमेशा डॉटेड आएगी, आपकी लाइन वैसे नहीं आप बनाओगे। जो मैं पहले भी बताती थी, हो सकता है मैंने बीच में ध्यान नहीं रही हूँ, ऐसे ही बनाई। अच्छा अब देखना, अब क्या है ये 30 डिग्री का बन गया। अब 30 का ये नाम रख लेते हैं, इसका ई और इसका एफ। तो ई एफ पर से प्रकार रखेंगे, प्रकार उतना ही खुला होना चाहिए, ये चाप और एक इस पॉइंट से आपकी एक ये चाप हम लगा देंगे ऐसे और इसको मिला देंगे। तो ये हमारी आगी अभीष्ट रेखा। अभीष्ट रेखा जो होगी वो हमेशा डार्क होगी ऐसे, ठीक है। ये रेखा ए बी, ये होगी सी, ये होगी डी। तो डी ए बी, डी ए बी आपका ये 15 डिग्री का कोण हो गया। तो कोण डी ए बी 15 डिग्री, कोण डी ए बी बराबर है 15 डिग्री। इसको भी लिख सकते हो आप, ये भी से रेखा थी जो 30 डिग्री का आपका कोण बना रही थी, डी ए बी अभीष्ट कोण है, ऐसे भी लिख सकते हो, अभीष्ट कोण है। और ये कितने डिग्री का है ये, तो ऐसे भी लिख सकते हो आंसर में। नेक्स्ट आपका आता है कोण ए बी रेखा पर बनाइए 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का कैसे बनाओगे? पहले तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम यहाँ पे। पहले ये आपका क्वेश्चन था 15वां। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले आपको 45 डिग्री बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले एक लाइन लेंगे, ए बी रेखा पर बनानी है हल्की लाइन ए बी, ठीक है। अब इस पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले 90 डिग्री का कैसे बनाते हैं सभी को पता ही होगा, छोटी छोटी डॉट्स ऐसे। नेक्स्ट इस पॉइंट से 60 डिग्री का कट, फिर 120 का, और ये यहाँ से फिर एक और एक यहाँ से ऐसे, ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये भी हल्काई लाइन लगाएंगे हम, क्योंकि ये हमारा 45 डिग्री का पूछ रखा है इसने, ठीक है ऐसे। तो 45 का कैसे होगा, 90 का आधा कितना होता है, 90 का आधा। तो यहाँ से ले रख के और एक चाप ऐसे, और एक चाप 90 डिग्री के कोण के एंगल वाली जो लाइन है उससे लगाएंगे। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और अब ये हमारी अभीष्ट रेखा है। तो ये अभीष्ट रेखा जो होगी वो हमेशा डार्क होगी, गहरी, ठीक है। तो इस प्रकार ए बी सी, सी ये आपका डी और ई पार्ट, ई रख लेते हैं इसको ई, ठीक है। तो डी और ई पर से हमने ये इसका अदा किया, ये हो गया। तो कोण कोण सी ए और बी बराबर है 45 डिग्री, क्या है ये आपका आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर है।